نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत तो आफियत से होंगे। शब जुमा यानी जुमे रात और जुमा की दरमियानी शब, नमाज इशा के बाद सूरह यासीन पढ़कर तमाम शब में या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु 11,000 बार पढ़ें। फिर फजर की नमाज के बाद सूरह यासीन पढ़कर अपने मसाइल के हल के लिए दुआ करें, इंशाअल्लाह आपकी मुश्किल ज़रूर आसान हो जाएगी, रोज़ी की तंगी दूर करने का वजीफ़ा। जुमा के दिन जो शख्स चाहे कि रोज़ी की तंगी दूर और रिज़्क खूब फराखी से नसीब हो, उसे चाहिए कि पाबंदी के साथ जुमा की फ़र्ज़ नमाज के बाद बहालत तशुद किबला रुख बैठे बैठे 70 बार तवज्जा के साथ अल्मुअती हुवल्लाहु अल्मुअती हुवल्लाहु पढ़े और अव्वल व आखिर 7-7 बार दुरूद शरीफ पढ़ना ना भूलें। वीडियोस के लिए हमारे चैनल ज़खीरा आखिरत को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। जज़ाकअल्लाह।